Now, sometimes in rabbit, you have seen a space between their teeth, okay? And this space is present between the incisor and the premolars, ठीक है? जो rabbit के incisors हैं और premolars होते हैं, उनके बीच में space होता है, and that space is known as the diastema, right? आपने rabbit को देखा होगा ना? तो in rabbits क्या होता है? Space between incisor, I stands for incisors and premolars, ठीक है? Premolars के बीच में space होता है and this space is known as diastema, right? Elephant tusk देखा है आपने? Elephant tusk जो होता है, it is the modified, एक लंबी सी हाथी दांत होती है ना? It is very costly. It is used to prepare many artifacts, right? And decorative items. So the elephant as tusks are the modified incisor. ठीक है? Elephant tusk क्या होते हैं? Elephant tusks are modified incisors. ठीक है? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ओपोसम. ठीक है? ओपोसम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ आर प्रेजेंट दैट इज एंड द नंबर इज 50. तो इन द ऑर्गेनिज्म ओपोसम इट कंटेन्स द कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ एंड दिस नंबर इज दैट इज 50 teeth present होता है opossum में. Human being में, adult humans में 32 teeth होते हैं और child children में कितने होते हैं? Milk teeth कितने होते हैं? 20. ठीक है? Now अब buccal cavity हो गई. Buccal cavity के बाद food कहाँ जा रहा है? Pharynx में, है ना? Mouth से food start हुआ travel करना. Mouth से food start हुआ travel करना. Mouth से कहाँ गया? Buccal cavity में गया. बकल कैविटी के बाद फूड कहां जा रहा है? इट इज एंटरिंग इनसाइड इनटू द फेरिंग्स. अब क्या होता है बकल कैविटी में, जब हम डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे. अभी तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर. राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि किस पार्ट के बाद एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट आता है. ठीक है? उसके बाद जब हम डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे, है ना, तब मैं बताऊंगी कि बकल कैविटी में क्या होता है, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहां पे क्या प्रोसेस होती है, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे. राइट? तो फेगस फेरिंग्स जो मैंने बताया था, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप. अब क्या होता है, फूड अगर फेरिंग्स को, फूड को क्या है, फेरिंग्स से हमारे फूड पाइप में आना है. ठीक है? आगे जो होता है विंड पाइप होता है और पोस्टीरियर रीजन में विंड पाइप, आगे विंड पाइप होता है, पोस्टीरियर रीजन में फूड पाइप होता है. तो फूड जो है इट मे एंटर इनसाइड द विंड पाइप. तो जो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस. मैंने भी इसके जस्ट पहले आपको फिगर में दिखाया है. तो वो ग्लॉटिस जो होता है, इट विल बी कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ये फूड फेरिंग्स में पहुंचा और स्वालो करने के समय आया, तो ग्लॉटिस जो होता है वो तुरंत कवर कर देता है, कवर हो जाता है एपिग्लॉटिस. राइट? फेरिंग्स के बाद फूड विल एंटर इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. राइट? ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. अब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया है कि रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट चलती है ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉल इन द मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है ना, उसमें जो मसल्स होते हैं, उनमें क्या हुआ? इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके से एक आप देखोगे रिदमिक मूवमेंट चलती है. एंड दिस रिदमिक मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट. ठीक है? पेरिस्टैलिसिस जो होती है, पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट और द पेरिस्टैलिसिस, इट अकर्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल. और पेरिस्टैलिस्टिक मूवमेंट के चलते ही फूड जो है माउथ से हमारे स्टमक में आएगा. ठीक? सो ईसोफेगस की जो वॉल होती है, उसमें पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट होगा.
ठीक है, एंड द फूड विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्टेलिसिस द फूड विल एंटर इनटू द स्टमक। अब यहां पे क्या होता है, एक स्टमक में एसोफेगस जब स्टमक में एंटर करते हैं तो उसके जहां पे स्टमक में एंटर करेगा वहां पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल एस्ट्रोफेजियल स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड, स्टमक से फूड इसोफेगस में आने से प्रिवेंट करता है। और अगर नहीं प्रिवेंट कर पाएगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, जो हमें वॉमिटिंग होती है ना उल्टी होती, कैसे होती है, फूड का बैक फ्लो होता है, राइट। सो दिस इसो गैस्ट्रो यहां पे क्या होगा, एन स्फिंक्टर इज प्रेजेंट विच दिस स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना, एंड दिस स्फिंक्टर इट कंट्रोल्स द बैक फ्लो ऑफ द फूड। वट इज द रोल ऑफ द ऑफ दिस स्फिंक्टर, राइट डाउन, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू माउथ, स्टमक से माउथ में प्रिवेंट करता है। और दिस बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द माउथ इज नोन एज द रिवर्स पेरिस्टेलिसिस और द एंटी पेरिस्टेलिसिस। सो व्हाट इज द रिवर्स पेरिस्टेलिसिस, रिवर्स पेरिस्टेलिसिस क्या हुआ, बैक फ्लो ऑफ फूड, बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द माउथ। स्टमक टू माउथ दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी पेरिस्टेलिसिस। अब जो स्टमक है मैंने बताया इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड अंटिल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ऑन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इट इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब स्टमक से जो है मैंने बताया था, ये भी बताया है कि स्टमक इट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर में दिखा दिया है, स्टमक इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, फंडिक रीजन और द फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। द अपर मोस्ट रीजन इज कार्डियक रीजन, इट इज बेटर टू राइट इन दिस सीक्वेंस, इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक रीजन, ठीक है। अब जो है स्टमक से फूड विल फ्रॉम द स्टमक द फूड विल एंटर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां जाएगा, फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो डाइजेशन हो रहा है ना बच्चों, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा और फिर अब आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थ्री पार्ट एंड बेसिकली दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, जब ये लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, देन वाई वी आर कॉलिंग इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज इट इज वेरी नैरो इन साइज, है ना, इसके जो साइज जो डायमीटर होता है इट इज वेरी नैरो, राइट, बट दे आर वेरी लॉन्ग इन केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर, आप सोच सकते हो 6.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि फूड जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहेगा और जितना जैसे जैसे पास होता जाएगा वो डाइजेशन होता चला जाएगा। अब
हम जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो सेलुलोज, जिनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, सेलुलोज के डाइजेशन में क्या होता है, सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, इसके डाइजेशन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली मोर टाइम एज कम्पेयर टू द डाइजेशन ऑफ द अदर फूड. ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी लार्जर, लार्ज होगा. इसीलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं दे हैव द लार्जर इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू द एनिमल्स विच आर कार्निवोरस, जैसे टाइगर है, डॉग है ना, आपका लायन है, पैंथर है, लेपर्ड है, इन जो भी मतलब कार्निवोरस एनिमल है जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा इट विल बी ऑफ स्मॉलर लेंथ, राइट, एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द हर्बीवोर एनिमल. सो प्लीज राइट आउट दिस इंफॉर्मेशन. इन हर्बीवोरस एनिमल्स लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू कार्निवोर्स. क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स हैव टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट इज सेलुलोज. ये फूड क्या खाते हैं, दे ईट ग्रीन ग्रास लीव्स, है ना, एंड द ग्रास एंड द लीव्स दे कंटेन सेलुलोज. जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं दे ईट व्हाट, दे ईट फ्लैश, एंड फ्लैश के डाइजेशन के लिए फ्लैश इज इजीली डाइजेस्टेबल एज कंपेयर टू द सेलुलोज. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. लेट्स राइट दिस नेम. आपने ये इंफॉर्मेशन लिख ली होगी. आई एम cleaning this part. Now this small intestine, it is divided into three parts. Duodenum, jejunum and ileum. Structure जो मैंने आपको बताया इसके पहले वाले lecture में, आपने देखा जो C-shaped structure है, that C-shaped structure is ड्यूरिनम. ठीक है, तो स्टमक के बाद डाइजेशन कहां हो रहा है, कंप्लीट ड्यूरिनम इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन. ठीक है, यहां पे कुछ डाइजेशन हुआ, माउथ से स्टार्ट होकर कुछ यहां पे हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा. जनरली हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन. ठीक है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ड्यूरिनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है, तो ड्यूडिनम है, यहां पे डाइजेशन विल कंप्लीट. ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, इन दीज टू पार्ट्स द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल स्टार्ट. जो डाइजेशन हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स निकले डाइजेशन के बाद, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द जेजुनम एंड इलियम, राइट. लेकिन अगर एक जनरली बोलना पड़ेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है कि स्टमक में हो रहा है, तो जनरली वी विल से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन. बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है तो कहां हो रहा है, इट इज द ड्यूडिनम वेयर द कंप्लीट डाइजेशन अकर्स, एंड जेजुनम एंड द इलियम इज द साइट वेयर द एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद द फूड विल एंटर इन टू द डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया. नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, इट विल एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब आप देख रहे हो कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम इज द सेकेंड पार्ट एंड इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जेजुनम इज, इट इज सी शेप्ड, जेजुनम इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इलियम इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर.
and they as I just I told you that it is 6.5 meter approximately 6.5 meter long structure. So it is arranged compactly in a space just below the stomach. A compact form mein ye arrange rehte hai, theek hai? In a very highly coiled form. Now ileum ke baad a food jo hai small intestine ke duodenum mein gaya, jejunum, ileum. Duodenum mein complete digestion ho gaya, jejunum ileum mein absorption ho raha hai. Ab undigested food is going to enter into the large intestine. Large intestine is again divided into three parts. तो पहले क्या होगा, फूड इलियम से कहां जाएगा, सीकम में. सीकम इज अ ब्लाइंड पिट, ब्लाइंड सैक. मैंने बताया था कल भी आपको लास्ट लेक्चर में भी, सीकम इज अ ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. इन विच इट हार्बर्स माइक्रोब्स एंड दिस माइक्रोब्स दिस आर यूजफुल माइक्रोब्स इज रिलीज सम यूजफुल vitamins like vitamin B12. Now after cecum the food will enter into the colon. Colon bhi maine bataya ki it is again divided into three parts. Descending colon, transverse colon and ascending colon. Theek hai. इसके बाद फूड विल एंटर इनटू द रेक्टम. रेक्टम, अच्छा ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी हम पार्ट्स देख रहे हैं इंटेस्टाइन एलिमेंट्री ग्लैंड के, दे ऑल आर मस्कुलर. ठीक है, तो रेक्टम में क्या होगा, द फूड अनडाइजेस्टेड फूड विल स्टे फॉर सर्टेन टाइम. अच्छा इसके बाद आफ्टर रेक्टम फूड विल एंटर इनटू द एनस. तो लार्ज इंटेस्टाइन का द लास्ट पार्ट इज एनस. आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन द फूड विल एंटर इनटू द एनस एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू विच द फूड इज इजेटेड आउट. द फीकल मैटर इज अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो नोन एज द फीकल मैटर, इट विल इजेटेड आउट. अब यहां पे भी एक मैंने आपको बताया कि एक स्फिंक्टर यहां प्रेजेंट है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जब फूड एंटर कर रहा है तो दिस प्रोसेस विल बी गार्डेड बाय दिस गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर. देर आर टू मोर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल. वन स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट दिस नियर द पाइलोरिक रीजन. जब स्टमक से फूड ड्यूडेनम में जाता है नियर द ड्यूडेनम रीजन, पाइलोरिक के बाद ड्यूडेनम रीजन आता है, तो यहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द ड्यूडेनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज पाइलोरिक. तो पाइलोरिक से ड्यूडेनम में जो फूड एंटर करता है दैट इज गार्डेड बाय विच स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट, याद हो गया. अब द थर्ड स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ एनस एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज एनल स्फिंक्टर. यहां पे जो तीसरा स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा इट इज नोन एज एनल स्फिंक्टर. ठीक है, so this is all about the structure of the alimentary canal. Now let's see the wall of the alimentary canal. To ek mein hum ek just we will discuss the transverse section of the wall of the alimentary canal. Jo alimentary canal ki wall hoti hai from the esophagus to the rectum, maine bataya muscular wall hogi and it is made up of four layers. Theek hai, चार लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड द आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इज नोन एज द सिरोसा विच इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर, लेट्स सी द टीएस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज आई एम ड्रॉइंग हियर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. So the जैसे मैंने बताया कि इट इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सिरोसा. आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज
ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल ये जो है चारों लेयर प्रेजेंट रहेंगी. सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज सीरोसा. एंड ये सीरोसा दिस इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू. सो दिस इज सीरोसा मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम टिश्यू, मेसोथीलियम टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, बिलो सीरोसा मस्कुलरिस लेयर इज प्रेजेंट, द अनदर लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द मस्कुलरिस. अब ये मस्कुलरिस लेयर जो होता है इट इज मेड ऑफ टू सब लेयर्स. मस्कुलरिस लेयर जो है दोस इसका आउटर पोर्शन जो है इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, इट हैज द आउटर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स विच इज नोन एज द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड द इनर मोस्ट इनर लेयर इज द इनर सर्कुलर लेयर. ठीक है, सो अब हम देखते हैं दिस इज द सीरोसा के नीचे. अब आपको ये दिख रहा है जो थर्ड सेकेंड लेयर है, दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर एंड बिलो दिस इनर सर्कुलर लेयर इज प्रेजेंट. ठीक है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, बिलो दिस एन इनर सर्कुलर लेयर इज प्रेजेंट. बिलो दिस इनर सर्कुलर लेयर इज प्रेजेंट, दिस इज इनर सर्कुलर लेयर एंड ये दोनों लेयर जो है दे टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मस्कुलरिस. क्या बना रहे हैं, दे टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लेयर डेट इज मस्कुलरिस. सो द फर्स्ट लेयर इज सीरोसा एंड द सेकेंड लेयर इज मस्कुलरिस. ठीक है, मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स. ठीक है, ये जो मस्कुलरिस है जिसकी आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों जो है दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. राइट, नाउ बिलो मस्कुलरिस द अनदर लेयर इज प्रेजेंट, द थर्ड लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज द सब म्यूकसल लेयर. सो बिलो मस्कुलरिस लेट्स सी द थर्ड लेयर दैट इज द सब म्यूकोसल लेयर. ठीक है, सब म्यूकोसल लेयर में इट कंसिस्ट ऑफ द इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड प्रेजेंट रहेंगे, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो सब दिस इज द थर्ड लेयर विच इज नोन एज सब म्यूकोसल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. ठीक है, अब जो ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसल लेयर होगी उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. हम जो ये हम देख रहे हैं चार लेयर, ये चार लेयर जो है थ्रू आउट प्रेजेंट रहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस से स्टार्ट होकर के पूरा रेक्टम तक जाएगा. ठीक है, अब ड्यूडेनम में जो सब म्यूकोसल लेयर रहेगा उसकी सब वहां पे क्या होगा, ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे. राइट, तो प्लीज राइट डाउन दिस इन्फॉर्मेशन, सब म्यूकोसल लेयर इन केस ऑफ ड्यूडेनम.
ठीक है. ड्यूडेनम में इट विल कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, तो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम. नाउ द इनरमोस्ट लेयर इज म्यूकोसल लेयर. म्यूकोसल लेयर जिसकी कि आप देखोगे इस तरीके से, फोल्ड्स आर प्रेजेंट, मेनी फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द म्यूकोसल लेयर और द इनरमोस्ट लेयर. म्यूकोसल लेयर और इनरमोस्ट लेयर. ठीक है, ये जो म्यूकोसल लेयर है ये स्टमक के केस में, ये म्यूकोसल लेयर स्टमक में जो है इट विल फॉर्म रूक और इनफोल्डिंग्स. ठीक है, तो इन केस ऑफ, अब देखते हैं स्टमक में, जैसे हमने देखा कि सब म्यूकोसल लेयर ड्यूडेनम में क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. स्टमक में म्यूकोसल लेयर क्या करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कंडीशन रहेगी. ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टमक इट विल फॉर्म रूग. रूग इज द इनफोल्डिंग्स, मेनी इनफोल्डिंग्स. ठीक है, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज द विलाई. तो ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज फॉर्मिंग विलाई, एंड इन केस ऑफ स्टमक इट इज फॉर्मिंग रूग. तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, आप ये देख रहे हो, अगर मैं इसका इतने एरिया का सिर्फ एक फोल्ड के हम इनलार्ज्ड व्यू देखे, एक फोल्ड का इनलार्ज्ड व्यू देखे, तो बच्चों यहां पे भी ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में मैंने बताया, अगर इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये क्या बनाएगा, विलाई. स्टमक में रहेगा तो क्या बनाएगा, रूग इनफोल्डिंग्स. अब ये विलाई जो बना रहा है, दिस विलाई, सपोज ये एक विलाई है ना, दिस विलाई इज ऑल्सो मेडअप ऑफ मैनी न्यूमरस माइक्रोविलाई. ठीक है, तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड दे शो द ब्रस्ट बॉर्डर अपियरेंस. ठीक है, तो अगर हम इतना स्ट्रक्चर देखें, सपोज हम, मैं इसको देख, ये है आपका, ये एक, मैंने एक विलाई यहां पे लिया और इसका मैं इनलार्ज्ड व्यू देख लूं, तो ये कैसे बनेगा, ये अगेन इट इज मेड अप ऑफ मैनी माइक्रोविलाई, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, सो दीज आर नोन एज माइक्रोविलाई. इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई. तो माइक्रोविलाई का रोल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज. माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेज, ये जो अब ऊपर की तरफ मैंने एरो दिखाया ना बच्चों, इट मीन्स इंक्रीज. ठीक है, सो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन. अभी हम जब डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है. वाटर एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे. तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, दे विल बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई. राइट, सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट. दिस इज द, यू कैन राइट डाउन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्टिंग ऑफ वॉल लेयर्स और गट. एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट. ठीक है, तो कितने लेयर आपने देखे, कितने लेयर प्रेजेंट है, सिरोसा, मस्कुलेरिस, थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसल लेयर एंड द फोर्थ लेयर इज म्यूकोसल लेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर और द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल.